हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कूल नोमिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी की बात करी थी, पार्ट टू की। ओके, अब इस लेक्चर में हम पार्ट थ्री की बात करेंगे, जिसमें कि लाइफ स्टाइल वेरिएशन, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। लाइफ स्टाइल वेरिएशंस की पार्ट बात हमने पार्ट टू में कर ली थी, तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पार्ट टू में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। उसके बाद हम पार्ट थ्री की बात करेंगे, जिसमें हम मेनली पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की बात करेंगे। तो इस तरह से आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स की। ओके, तो चलिए टेक्स्ट बुक पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पार्ट टू में जो हमने बात करी थी, उसमें बेसिकली हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी थी। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फर्स्ट रिकैप कर लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी थी और जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ में, उनको समझा था। पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन को समझा था, पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन है ये, इसको समझा था हमने। फिर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स की बात करी थी, जिसमें मेनली हमारे सिलेबस में दो मॉडल्स होते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक। उनसे रिलेटेड इक्वेशंस ये जो हैं और उनसे रिलेटेड ग्राफ्स की बात करी थी। तो हमने ये चीज़ें लास्ट के लेक्चर में देखी थी। ओके, आज के लेक्चर में हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन की मेनली बात करेंगे। देखिए, समझने वाली बात, चलिए चलते हैं आज के लेक्चर में जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वहाँ। देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ये हमने लाइफ स्टाइल वेरिएशन की बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन एक कम्युनिटी की फॉर्म में जब रहती है ना, तब वो आपस में एंड एनवायरमेंट के साथ कॉन्स्टेंट इंटरेक्ट करती है। इन इंटरेक्शन को हम ब्रॉडली दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जो बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बीच में होता है। दूसरा, एक इंटरेक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दूसरी डेड थिंग है, यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो इंटरेक्शन होते हैं, उसमें मेनली आपका एनर्जी फ्लो, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। तो इस चैप्टर में हमारा फोकस मेनली रहेगा बायोटिक इंटरेक्शंस की बात में, उसमें भी आपका फोकस रहेगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन का। ठीक है, तो ये बात हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में हम किसकी बात करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन होते हैं, उसकी बात इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि टेक्स्ट बुक हम लोग देख पा रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो हमारे सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखिए, जब भी कई स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी इकोसिस्टम में एक साथ रहते हैं, तो वे एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। इसकी डेफिनेशंस, इसका सारा कॉन्सेप्ट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के, जो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और एक इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं और इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं, कम्युनिटी के अंदर ये होता है। तो देखिए, अगर किसी कम्युनिटी में दो स्पीसीज हैं, मान लीजिए, वैसे तो एक कम्युनिटी में कितनी भी स्पीसीज हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ स्पीसीज हो सकती हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे मान के चलते हैं दो स्पीसीज हैं और हर स्पीसीज में एन इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि किसी में 5-10, ठीक है ना, वेरिएबल है। स्पीसीज टू में भी एन इंडिविजुअल्स हैं, दो स्पीसीज मान के चलते हैं। तो अगर स्पीसीज वन और स्पीसीज टू के इंटरेक्शन की बात करेंगे, तो हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ओके, और अगर स्पीसीज वन में एन इंडिविजुअल्स हैं, तो आपस में ही उसी स्पीसीज के दूसरे ऑन एन इंडिविजुअल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, उसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है ना, ये दो चीज़ें आपको पहले समझ लेनी है। ठीक है, अब जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है, मेनली उसी की बात इस चैप्टर में करी जाएगी। इंट्रा में आपका दो चीज़ें हैं, कंपटीशन है और कैनिबलिज्म है, ठीक है ना। ओके, कैनिबलिज्म का मतलब होता है सेम स्पीसीज के मेंबर सेम स्पीसीज को खा लेते हैं। कई सारे स्नेक्स में होता है, जैसे किंग कोबरा में होता है, ठीक है ना, वो अपने स्पीसीज के मेंबर्स को खा लेते हैं, ठीक है ना, उनका शिकार कर लेते हैं। तो हम मेनली इस चैप्टर में बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस की। उसमें भी हमारे सिलेबस में ये हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म, फिर है कंपटीशन, फिर प्रेडेशन, फिर पैरासिटाइज्म, फिर कॉमेंसलिज्म, फिर अमेंसलिज्म। ओके, यहाँ पर मैंने जो साइन दिखाए हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखिए और समझिए। म्यूचुअलिज्म का मतलब है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटरेक्शन, यानी कि कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है दो स्पीसीज के बीच में, जिसमें कि क्या हो रहा है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कंपटीशन में क्या होता है, दो स्पीसीज के बीच में ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है जिसमें कि दोनों स्पीसीज को घाटा हो रहा है, यानी कि दोनों के लिए नेगेटिव है ये। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। पैरासाइटिज्म में एक को फायदा, एक को नुकसान हो रहा है एक स्पीसीज को, ठीक है ना। कमेंसलिज्म में एक को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अमेंसलिज्म में एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो
तो ये हमें साइंस समझ लेने, ठीक है ना, इन टर्म्स को समझ लेना है, इनकी डिटेल्स हम थोड़ा जल्द ही आगे देखेंगे। फिलहाल हमें ये देख लेना है कि इन्होंने यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में क्या एक्सप्लेन किया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, इस दुनिया में कोई भी स्पीसीज अकेले नहीं रह सकती, क्योंकि कम से कम उसे कोई ना कोई दूसरी ऐसी भी स्पीसीज की ज़रूरत होगी जिस पर कि वो फीड कर सके, जिसको भी खा सके न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन हर स्पीसीज को ज़रूरी है। तो अगर प्लांट भी रह रहे हैं ना, तो उनके जड़ों में सॉइल माइक्रोब्स होंगे, वो क्या कर रहे होंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे होंगे इनऑर्गेनिक मैटर में, तो इनऑर्गेनिक मैटर रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होकर प्लांट न्यूट्रिशन सिस्टम में चला जाएगा। ओके, पॉल्यूशन के लिए भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमारे सामने ये बात साफ हो जाती है कि नेचर में एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोब्स वो है ना, जो वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, इंटरेक्ट करना पड़ेगा बायोसिस में। इसी तरह से वो क्या बनाते हैं, बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी का मतलब ये है कि उसमें बायोटिक प्लस अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, जिनके बीच में आपस में इंटरेक्शन रहेगा, ठीक है ना। बायोटिक अबायोटिक इंटरेक्शन तीन टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए, आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात जो है वो मैंने आपको बता दी, साइंस की बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइंस का क्या मतलब है, इसकी बात मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस पैराग्राफ से एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो हम देख लेते हैं। अजर्शन रीजन टाइप का एक क्वेश्चन है। देखिए, इस सिंगल स्पीसीज अजर्शन दिया है, एक सिंगल स्पीसीज इकोसिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। रीजन में दिया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए स्पीसीज टू एग्जिस्ट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अजर्शन भी सही है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, अब देखिए, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की जो बात हमने करी है उसमें हमने आपको साइन की बात बता दी, ठीक है ना, उनके टर्म्स बता दिए। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे एक टेबलर फॉर्म में दे रखा है, इसको जरा क्विकली आप देख लीजिए। वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अगर दो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव, इसका मतलब म्यूचुअलिज्म है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्पीसीज बी के लिए और स्पीसीज ए के लिए दोनों के लिए पॉजिटिव इंटरेक्शन है तो वो कौन सा इंटरेक्शन होगा। ये आपको ऑप्शन में चार दे देगा कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हैं तो म्यूचुअलिज्म होगा, एक दोनों नेगेटिव है तो कंपटीशन होगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत, ध्यान क्या है, तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आप इसको देख के, अगर ये राइट साइड वाला आप इसको ना भी देखें, सिर्फ आप साइंस को देखें, तो भी आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आपको समझ में, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 टाइप ऑफ इंटरेक्शन दिए हैं पॉपुलेशन के हमारे सिलेबस में, उनको हम देखते हैं वन बाई वन, ठीक है। देखिए, इन साइंस को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर आपको मैं आगे एक्सप्लेन। सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया प्रोडेशन, सीक्वेंस में म्यूचुअलिज्म दिया है लेकिन प्रोडेशन से शुरुआत करेंगे, तो प्रोडेशन को पहले देख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रोडेशन की बात कर लें। प्रोडेशन का मतलब क्या है, जनरल टर्म है, प्रोडेशन मतलब शिकार शिकारी, यानी कि एक शिकार होगा एक दूसरे शिकारी होगा, ठीक है। लेकिन डीप में जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हमने जनरली नहीं सोची थी, ठीक है। तो पहले देखिए आप, प्रोडेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे कि प्रोडेशन के लिए डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो शिकार या शिकारी को डिफाइन करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ से प्रेडेटर को डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन करेंगे, जनरली बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे, ओके। प्रेडेटर का मतलब है हु किल्स एंड कंज्यूम्स या ड्राइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम प्रे, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किल करता है या कंज्यूम करता है या न्यूट्रिशन को ड्राइव करता है अपने शिकार से, उसको प्रेडेटर कहा जाएगा, ओके। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने से हमारे बात सामने ये चीज़ समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दिया है, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि स्पैरो गौरैया चिड़िया है, अगर वो किसी सीड को खा लेती है तो वो भी एक प्रेडेटर से कम नहीं है, एक शिकारी से कम नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि सीड क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग एंटिटी है, उसको खा रही है तो वो डेड हो रहा है, उसका शिकार कर रही है स्पैरो, तो वो भी क्या है, प्रेडेटर है एक तरीके से, जनरली ऐसा सोचा है। दूसरा, वो न्यूट्रिशन भी ड्राइव कर रही है उससे, सीड से, तो क्या है, ये प्रेडेटर है। तो ब्रॉड कंटेक्स्ट में इकोलॉजिकली ब्रॉड कंटेक्स्ट में जितने भी हर्बीवोर्स हैं वो क्या हैं, प्रेडेटर्स हैं, यानी कि हिरन वगैरह जो भी है, उनको इकोलॉजिकली अगर ब्रॉड कंटेक्स्ट में देखा जाए तो उन सब प्रेडेटर कहा जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, घास को खा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, जैसे भी हम इकोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं चाहे किसी भी कंसेप्ट को, तो हमारे सामने एक चीज़ आती है, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, फिर उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि हर्बीवोर्स, फिर उसको खाने वाले प्राइमरी कार्निवोर्स जैसे कि लाइन वगैरह। तो ये लेवल्स होते हैं एक तरीके से, फर्स्ट लेवल क्या है प्रोड्यूसर का, सेकंड लेवल प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स का, थर्ड लेवल क्या है कार्निवोर्स का। तो ये जो लेवल्स होते हैं उनको ट्रॉफिक लेवल्स कहा जाता है इकोलॉजी में, ठीक है। एनर्जी का जो फ्लो होता है वो भी ट्रॉफिक लेवल्स के हिसाब से हम समझते हैं, फूड चेन को भी ट्रॉफिक लेवल के हिसाब से, फूड वेब को भी समझते हैं। ये सारी चीज़ें डीप में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली अभी आपको इतना समझ लेना चाहिए कि हो क्या रहा है। बेसिकली या तो न्यूट्रिशन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि फूड का, तो न्यूट्रिशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो वो कैसे हो रहा है ट्रॉफिक लेवल्स में, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स। और एक साइंटिस्ट ने दिया था एक रोल कि अगर प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स तक एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, चाहे फूड के थ्रू हो रहा हो
तो उसमें 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी, उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगी। मान लीजिए प्रोड्यूसर ने एनर्जी ऑब्जर्व करके स्टोर करी सनलाइट से फूड बना के 100 कैलोरीज, तो हर्बीवोर्स अगर उस प्लांट को खाएंगे 100 कैलोरीज एनर्जीज को, तो उनके पास केवल 10 कैलोरीज ही एनर्जी जाएगी। फिर इससे यहाँ पे वो और 1/10 हो जाएगी 10%, ठीक है ना, यहाँ पे 1 कैलोरी जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है हर्बीवोर्स जो होते हैं ना, तो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ एनर्जी ड्राइव करते हैं, इसीलिए जनरली कंटेस्ट में अगर सो जाए तो वीगन तो बेटर है नॉन वेज से। ओके, आप इकोलॉजिकली समझ सकते हैं, जनरल है, आप थोड़ा सा इसको सोचिए, आपको समझ में आएगा, साइंटिफिक रीज़न है। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो हमारे बहुत पावरफुल लोग हुआ करते थे, ज़्यादातर वो लोग क्या थे, वेजिटेरियन थे, ठीक है। ब्रूस ली जो आपका बहुत ही अच्छा फाइटर था, वो भी प्योर वेजिटेरियन था। तो इस चीज़ को आप इकोलॉजिकली कंटेक्स्ट से समझ सकते हैं। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फ्रेम किया हुआ है अजर्सन रीजन में, सिंपल क्वेश्चन है, स्पैरो जो है ईट करती है सीड को, वो प्रेडेटर से कम नहीं, अजर्सन दिया हुआ है, रीज़न क्या है, सीड इज लिविंग एंटिटी है, स्पैरो इसको खा रही तो वो डेड हो रहा है। तो ये भी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरह देखा जाएगा, प्रेडेटर है, ठीक है, इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं रीज़न में, पर ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसको आंसर ए लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हमने प्रेडेटर को समझ लिया, शिकार को और प्रे को समझ लिया, ठीक है। अब एक चीज़ आगे देखते हैं कि जो शिकार हो या शिकारी, सबसे मेजर है शिकारी, जो शिकार कर रहा है अपने शिकार का, ठीक है ना, जैसे लाइन हो गया डियर का शिकार कर रहा, तो क्या होगा, लाइन क्या होगा, प्रेडेटर हो गया। अब प्रेडेटर जो है ना, इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है, उसको यहाँ पे बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है। लेकिन एग्जांपल्स को समझने से पहले या कुछ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, राइट साइड पे जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है आपके लिए, इसको आप समझ लीजिए कि रोल या फंक्शन ऑफ प्रेडेटर्स क्या हो सकते हैं, कंड्यूट्स फॉर एनर्जी या ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल, यानी कि कंड्यूस मतलब होता है चैनल, एक तरीके से रास्ता। तो प्रेडेटर क्या है, एक रास्ता है एनर्जी ट्रांसफर का ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू, ठीक है, सिंपल सी बात है। प्रेडेटर ने, शिकारी ने शिकार को खाया तो उसके पास एनर्जी आई प्राइमरी लेवल से या सेकेंडरी लेवल से, जिसने भी, ठीक है, सेकेंडरी लेवल से आएगी क्योंकि वो हर्बीवोर्स को खा रहा है, ठीक है, जनरली ऐसा सोचा जाता है। पर हर्बीवोर्स जो है ना, वो जो खा रहे हैं प्लांट्स को, वो भी शिकारी से कम नहीं है इकोलॉजिकली। तो ये क्या है, कहीं समझ लीजिए, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर समझ लीजिए, T1 पे T2 पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रेडेटर होते हैं उनका क्या रोल है, वो एक एनर्जी के चैनल की तरह बिहेव करते हैं, एनर्जी को कंडक्ट करने के लिए चैनल को प्रोवाइड करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स के लिए, ठीक है। वो प्रे की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल में रखते हैं, प्रे मतलब शिकारी। अब अगर हिरन ज़्यादा हो जाएंगे जंगल में, तो भी इकोलॉजिकली वहाँ का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो प्रेडेटर है यानी कि लायन है, वो क्या कर रहा है, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख रहा है। फिर इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी इसी तरह से मेंटेन रहती है, ठीक है। बायोलॉजिकली जो होते हैं ना, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है स्पेशली फॉर इन्वेसिव स्पीसीज, वो भी एग्रीकल्चर या पेस्ट कंट्रोल में ये प्रेडेटर का यूज़ किया जा सकता है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक तरीके से क्या करते हैं, उस इकोसिस्टम को डोमिनेट कर लेते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनमें से एक होती है इन्वेसिव स्पीसीज या कोई इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में क्या था, एक कैक्टस था प्रिकली पियर कैक्टस, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इन्वेसिव थी यानी कि ये नेटिव स्पीसीज नहीं थी, बाहर से आई थी, इन्वेड किया था इस स्पीसीज ने, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इन्वेड किया था, ये किसी ना किसी तरीके से अपने आप आ गई, ठीक है ना। इन्वेसिव का मतलब इन्वेड हुआ है, ठीक है ना, जैसे आक्रमण करते हैं तो इन्वेड करते हैं, उस तरह इन्वेसिव का मतलब है इन्वेड किया गया, तो इस स्पीसीज ने इन्वेड किया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो पिकली पियर कैक्टस बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगा, क्योंकि इसका नेचुरल प्रेडेटर उस इकोसिस्टम में कोई नहीं था। तो फिर इसके जो कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, जो नेचुरल इकोसिस्टम में जहाँ से ये कैक्टस ने इन्वेड किया था, वहाँ पे एक कैक्टस ब्रीडिंग मॉथ था, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके इस कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी शिकारी का क्या है, यूज़ है, ठीक है। फिर देखिए, मेंटेन्स स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रेगुलेटिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है उसको भी रेगुलेट करता है, क्योंकि एक स्पीसीज की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी स्पीसीज के ऊपर क्या होगा, रिसोर्सेज का स्कैसिटी हो जाएगा, उनका बर्डन वो क्या होंगे, रिसोर्सेज स्कैसिटी की तो वजह से उनको भी इफेक्ट होगा, तो वो भी उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो सकती है। तो एक इकोसिस्टम में हर स्पीसीज जितनी रह रही हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी हो उस इकोसिस्टम की, उसमें हर स्पीसीज के नंबर ऑप्टिमम होंगे, तभी वो इकोसिस्टम अच्छे से काम करेगा। किसी भी स्पीसीज के नंबर अगर ज़्यादा हो जाएंगे, जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा, तो वहाँ पर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो शिकारी क्या करता है, इकोसिस्टम की स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसका एग्जांपल दिया गया है, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश जो है, उसका साइंटिफिक नेम पिसेस्टर है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसमें क्या किया गया, ऑल द स्टारफिश वर रिमूव, सारी स्टारफिश को हटा लिया गया, ठीक है, एक एनक्लोज्ड
इंटरटाइडल एरिया बनाया गया, एनक्लोज कर दिया गया ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म ना आ पाए ना जा पाए, तो वहाँ से केवल स्टार फिश को हटा लिया गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल में। किसकी वजह से, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वजह से, क्योंकि जो स्टार फिश थी वो क्या थी, इन जो 10 स्पीसीज थी उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रही थी, उनके साइज को मेंटेन कर रही थी। तो आपको समझ में आ गया कि जो शिकारी होता है यानी कि प्रेडेटर होता है उसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। वो चैनल की तरह माध्यम करता है, कंडक्ट करता है एनर्जी को, ठीक है, डाइवर्सिटी मेंटेन करता है, ये जो रोल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे चलिए, देखिए एक शिकारी जो होता है ना बहुत इंटेलिजेंट होता है, प्रूडेंट होता है, यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब है इंटेलिजेंट, ठीक है ना, प्रूडेंट मतलब इंटेलिजेंट। क्यों इंटेलिजेंट है, शिकारी कभी भी ऐसे काम नहीं करता है कि उसका जो शिकार वो एकदम से खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो उस इकोसिस्टम से खत्म हो जाएगा तो शिकारी भी खत्म हो जाएगा। तो शिकारी जो है ना शिकार उतना ही करेगा जितनी उसको ज़रूरत है और जिसकी वजह से उस इकोसिस्टम में उसके शिकार की पॉपुलेशन मेंटेन रहे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखिए शिकारी तो शिकार कर रहा है लेकिन जिसका शिकार हो रहा है यानी कि प्रे, वो तो बेचारा नुकसान में जा रहा है। तो वो क्या है, नेचर ने उसको भी इवॉल्व किया है, उसको कई सारे ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म की इवोल्यूशन हुई है जिसकी की वजह से क्या वो शिकारी इसका शिकार ना कर पाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि आपका कमफ्लेस, कमफ्लेस का मतलब क्या है, छुपना। जैसे कि हमारे आर्मी की जो वर्दी होती है वो किस तरह से डिज़ाइन होती है कि अगर जंगल में वो आसानी से छिप जाए, तो कमफ्लेस का मतलब है स्पीसीज आसानी से छिप जाती है। बहुत सारी स्पीसीज़ में ये कॉमन होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स में होता है, बहुत इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो आपको ग्रीन कलर के इंसेक्ट होते हैं जो पत्तों पर बैठे रहेंगे आपको दिखाई नहीं देगा। फिर एक स्टिक इंसेक्ट होता है, ठीक है ना, जो आपके पेड़ की तरह पे बैठा रहेगा वो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, डंडी की तरह लगेगा, जैसे कि वो पेड़ की मतलब डंडी ये सूखी हुई, पता ही नहीं चलेगा वहाँ बैठा हुआ। कई सारे फ्रॉक्स ऐसे होते हैं जो आपके जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसी एनवायरनमेंट के कलर के हो जाते हैं, तो वो पहचान में नहीं आते, तो शिकारी इनको पहचान नहीं पाएगा। तो एक कैमोफ्लेज क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है स्पीसीज का शिकार से बचने के लिए या शिकारी से बचने के लिए, ओके। फिर कई सारी स्पीसीज में पॉइजन एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से शिकारी उसका शिकार करना पसंद नहीं करते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई दिया है। तो मोनार्क बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो ऐसी स्पीसीज पर पॉइजनस बीट पर फीड करता है जिसकी वजह से उसके अंदर एक तरह का जहर इकट्ठा हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो चिड़िया होती है जो इसका शिकार करती है मोनार्क बटरफ्लाई, वो इसको खाना पसंद नहीं करती, ठीक है ना। तो कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं, उसमें से दो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, कैमोफ्लेज और पॉइजन, ठीक है। ये तो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल्स की बात करेंगे। अब डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स में भी होते हैं, उनमें क्या क्या है उनकी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ डिफेंस मैकेनिज्म जो प्लांट में होता है उसमें क्या मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उसके एनाटॉमी से रिलेटेड है, जैसे कि कांटे वगैरह हो जाते हैं किसी, अब कांटों का पेड़ होता है एकेसिया, ठीक है ना, बबूल का पेड़ उसमें कांटे होते हैं, कैक्टस होता है उसमें कांटे होते हैं, तो इनको क्या होता है शिकारी यानी कि हर्बीवोर्स नहीं खा सकते इजीली क्योंकि इनमें कांटे हैं। ये मॉर्फोलॉजिकल मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। फिर केमिकल्स है, कई सारे प्लांट्स में कुछ इस तरह के केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको खाना पसंद नहीं कर सकते। जैसे कि कैलोट्रोपिस में होता है, कैलोट्रोपिस में एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड स्टोर हो जाता है मेटाबॉलिज्म से। कैलोट्रोपिस होता है आग का पौधा जो जनरली आपको कहीं भी मिल जाता है, ठीक है ना, सफ़ेद उसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, आँख बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है ना, वो हर जगह मिल जाएगा, इंडिया में हर जगह पाया जाता है। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड उसमें स्टोर होने की वजह से क्या होता है, हर्बीवोर्स होते हैं बकरी वगैरह गाय वगैरह उसको नहीं खाते। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट का, ठीक है, ओके, समझ में। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। तो इसको देख लें, जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है कि वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से कॉमर्शियल स्केल पर, जैसे कैफीन, क्यूनिन, स्ट्राइकिन, ये सब क्या है, ओपीएम वगैरह, ये प्लांट ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोड्यूस किए हैं, आपके लिए प्रोड्यूस नहीं किए, आप इनको निकाल लो और ले जाओ। ये प्लांट के सिर्फ मेटाबॉलिज्म में इसलिए बनाए गए हैं ताकि ये प्लांट जो है अपने आप को डिफेंड कर पाए हर्बीवोर से या उसके शिकारी से, ठीक है। तो आपका प्रेडेशन खत्म हो गया, ठीक है, ओके, प्रेडेशन जो है पार्ट वन खत्म हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं जिसमें कि आपका है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है, सेम स्पीसीज के मेंबर्स में या दूसरे स्पीसीज के मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन में क्या होता है, इसमें क्या है, जो अब देखिए कंपटीशन जो है सेम स्पीसीज के मेंबर्स में भी हो सकता है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कंपटीशन सिर्फ सेम स्पीसीज के मेंबर्स में होगा, टोटली अनरिलेटेड जो स्पीसीज होंगी उसमें भी कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जनरली ये कंपटीशन जो होता है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में होता है, लेकिन अनरिलेटेड में भी हो सकता है। अनरिलेटेड का एग्जांपल क्या है, आप ये समझिए कि फ्लैमिंगोज जो होते हैं वो मछलियाँ खाते हैं, सॉरी वो फाइटोप्लांक्टन्स खाते हैं, जू प्लांक्टन्स वगैरह, फाइटोप्लांक्टन्स में नहीं जू प्लांक्टन्स खाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। फाइटोप्लांक्टन्स जू प्लांक्टन्स बहुत माइनर ऑर्गेनिज्म होते हैं लोअर किंगडम के, लोअर एनिमल किंगडम प्रोटिस्टास वगैरह के, ठीक है, उनको आप समझिए।
आपको क्लास 11th में दिया हुआ डिटेल में। फिलहाल हम इतना समझ लेते हैं कि फ्लैमिंगोज जो होते हैं ना वो जू प्लांकटॉन्स खाते हैं और मछलियाँ भी जू प्लांकटॉन्स खाती हैं, लेकिन फ्लैमिंगोज अलग स्पीसीज है, जू प्लांकटॉन्स अलग फिश अलग स्पीसीज है। इन दोनों ये दोनों ही फ्लैमिंगोज और फिश किसके लिए कम्पीट कर रहे हैं? जू प्लांकटॉन्स को खाने के लिए। तो टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज हैं फ्लैमिंगोज एंड फिश, टोटली अनरिलेटेड हैं, फिर भी इनके बीच में क्या है, कंपटीशन हो रहा है जू प्लांकटॉन्स के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन जो है सिर्फ एक स्पीसीज में नहीं, डिफरेंट अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन आपको दिखाई दे सकता है इकोलॉजी या नेचर में, ठीक है, या इकोसिस्टम में। ठीक है, ओके। अब एक बात और, कंपटीशन के लिए रिसोर्सेज को लिमिटेड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि यहाँ पे जो प्लांकटॉन्स की संख्या सीमित है तो इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है कौन कितना ज़्यादा खा ले जो प्लांकटॉन्स को। मछलियाँ चाह रहे हैं हम खा लें ज़्यादा, फ्लैमिंगोज चाह रहे हैं हम ज़्यादा खाएँ, तो यहाँ पे क्या रिसोर्सेज जो प्लांकटॉन्स क्या है ये लिमिटेड है। पर कंपटीशन के होने के लिए रिसोर्सेज का लिमिटेड होना ज़रूरी नहीं है। एक तरह का ऐसा कंपटीशन भी होता है जिसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस कंपटीशन, उसमें कि रिसोर्सेज का लिमिटेड होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि फीडिंग इफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस्ड, किसी भी एक स्पीसीज की फीडिंग की इफिशियंसी कम हो जाती है दूसरी की वजह से, क्योंकि वो आपस में आसपास घूम रही है या चर रही है या खा रही है तो उसको स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इंटरफ्रेंस कंपटीशन की वजह से उसकी दूसरी स्पीसीज की इफिशियंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो कंपटीशन को डिफाइन कैसे करा जाए फिर, तो कंपटीशन तो सेम स्पीसीज में हो सकता है, अनरिलेटेड में हो सकता है, और कंपटीशन को होने के लिए रिसोर्सेज का लिमिटेड होना भी जरूरी नहीं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कंपटीशन को डिफाइन कैसे किया जाए, तो जनरली हम बेसिकली कंपटीशन को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कंपटीशन को डिफाइन करने के लिए। जब भी आपको कंपटीशन को डिफाइन करने की बात करी जाए तो आप इसी डेफिनेशन में लिखें। ठीक है, ये आर की बात आपको जो ग्रोथ कर्व्स पढ़ाए थे, ग्रोथ मॉडल्स पढ़ाए थे, उसमें आप बात की जा सके। डार्विनियन थ्योरी में जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी जाती है, बर्थ रेट्स माइनस डेथ रेट पर कैपिटा जो होता है वो आर होता है, उसकी बात करी जाए तो वही आर है। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, कंपटीशन की डेफिनेशन आप सुन। तो कई सारे साइंटिस्ट ने कंपटीशन की स्टडी करी, उसमें से एक गॉस साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टडी करने के बाद एक प्रिंसिपल दिया। ठीक है, उसको समझ लेते हैं कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन्होंने कंडीशन ये बनाई कि रिसोर्सेज लिमिटेड हों तो कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज क्या होगी, इवेंचुअली यानी कि अंततः क्या करेगी, एलिमिनेट कर देगी अदर स्पीसीज को। तो कई सारी स्पीसीज अगर इकोसिस्टम में हों और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज क्या कर देगी, इन्फीरियर स्पीसीज को रिप्लेस कर देगी, उनको ख़त्म कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। तो ये गॉस ने स्टडी करके बताया। लेकिन रिसेंट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो रिसर्च हो रहे हैं इकोलॉजी में, वो इस सिद्धांत को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में ये इसके विपरीत भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं। तो ये आप जर्नलाइज नहीं कर सकते, इसको आप एकदम से 100% सही नहीं मान सकते। ठीक है, बहुत कम सिचुएशंस में आपको ये क्लियरली दिखाई देगा कि ऐसा हो रहा है, पर आजकल ऐसा रिसर्च की वजह से इसके विपरीत भी चीज़ें सामने आ रही हैं। ठीक, ओके, अब देखिए इसमें क्या है, कुछ एग्जांपल दिए हैं कि गैल्पागोस आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड के ग्रुप ऑफ हैं, जहाँ पे इकोलॉजिकल स्टडी बहुत ही वाइड स्कोप पर करी जाती है। ठीक है, वो आप इसको देख लीजिए, उसमें क्या था कि द एल्बिंगडो टॉर्टस, ये टॉर्टस है एल्बिंगडोन टॉर्टस, वो गैल्पागोस आइलैंड में एक्सटिंक्ट हो गया विद इन ए डिकेड, एक ही दशक में, आफ्टर गॉड्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग द आइलैंड, गॉड्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। क्यों, गॉड्स की इफिशियंसी क्या है, ज़्यादा है ब्राउजिंग की, यानी कि हर्बीवोर खाने की, गैल्पागोस आइलैंड पर इनकी कम है। ठीक है ना, तो हुआ क्या, ये एल्बिंगडोन टॉर्टस ख़त्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि ये सुपीरियर स्पीसीज है गोट इससे एल्बिंगडोन टॉर्टस, तो उसने ख़त्म कर दिया। तो गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये प्रूफ दिया, इस रिसर्च को किया। ठीक है, कई सारे और भी एविडेंस हैं जो कंपटीशन को दर्शाते हैं नेचर में। ठीक है, एक और चीज़ है जो आपको समझना चाहिए, कंपटीटिव रिलीज, इंटरफ्रेंस कंपटीशन आपको समझ में आ गया, फिर कंपटीटिव रिलीज भी है, थोड़ा सा रिलेटेड ही है लेकिन समझ लीजिए डिफरेंट है थोड़ा सा। देखिए, कंपटीटिव रिलीज का मतलब है कि ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अ कंपटीटिव स्पीसीज। क्या होता है, कभी कभी एक स्पीसीज का रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एक स्मॉल एरिया में, क्यों, क्योंकि क्या है, स्पीसीज मौजूद है जो उसको बढ़ने नहीं दे रही है, उसके एरिया को एक्सपांड नहीं करने दे रही है। ठीक है, उसको एरिया ज़्यादा नहीं कवर करने दे रही है, लेकिन अगर उस स्पीसीज को हटा दिया जाए तो क्या होगा, जो स्पीसीज एरिया पहले ज़्यादा कवर नहीं कर पा रहे थे वो एरिया ज़्यादा कवर ले, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बढ़ जाएगा, इसको कंपटीटिव रिलीज कहा जाता है। ओके, अब देखिए, एक और साइंटिस्ट है कॉनेल्स, उन्होंने एक एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स करे, उन्होंने क्या बताया कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के जो रॉकी सी कोस्ट हैं स्कॉटलैंड के, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कंप्लीटली सुपीरियर बारनेकल
बार्नेकल जो होता है ना, एक स्पीसीज है बालेनस नाम है, वो डोमिनेट करता था इंटरटर्टल एरिया पर, ठीक है। एंड एस्क्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल, ये लार्जर था, कंपटीटिवली सुपीरियर था बार्नेकल, ये क्या करता था इंटरटर्टल एरिया पर ये डोमिनेट करता था, तो इसकी वजह से क्या थे छोटे छोटे जो बार्नेकल थे वो उस वहाँ पे नहीं हो पाते थे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब इसको हटा देंगे सुपीरियर बार्नेकल तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये कंपटीटिव रिलीज हो गया, ठीक है, ओके। इन जनरल हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। सीधी सी बात है, हर्बीवोर्स चल नहीं सकते, ठीक है, सॉरी प्लांट्स चल नहीं सकते और हर्बीवोर्स उन पर डिपेंडेंट डायरेक्टली, तो जनरली देखा गया इकोसिस्टम में प्लांट्स और हर्बीवोर्स के ऊपर जो है कंपटीशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है कार्निवोर्स की अपेक्षा, ठीक है। फिर गॉस का जो कंपटीशन का प्रिंसिपल एक्सक्लूजन का, उन्होंने क्या बोला है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड बी कंप्लीटली इन्फीरियर वन बिलीव इमिनेंटली मेंचली। यही बात गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट कही थी एल्बेंडोज आइलैंड के एक्सपेरिमेंट में, तो वही बात है। तो गॉस का जो कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये रिसर्च के दौरान ज़्यादातर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी आए, कई साइंटिस्टों ने इसकी जो रिसर्च है इसको एकदम से ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम 100% ट्रू है उसको, कई सारे ऐसे रिसर्च हैं जो उसको विपरीत भी हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, कई सारे स्पीसीज जो कंपटीशन को फेड कर रही हैं वो कई सारे ऐसे मैकेनिज्म इवॉल्व कर सकते हैं जिससे कि कंपटीशन को कम किया जा सके, उनमें से एक रिसोर्स पार्टीशनिंग है। तो अगर दो स्पीसीज हैं जो कम्पीट कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, तो वो क्या कर सकती हैं, अवॉइड कर सकती हैं कंपटीशन बाई चूजिंग कुछ चुन के, कैसे, फॉर इंस्टेंस जैसे कि डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग, मतलब सुबह के टाइम पे एक स्पीसीज फीड कर रही है उसी स्पीसीज के ऊपर, दूसरे टाइम पर दूसरी स्पीसीज फीड कर रही है, मान लीजिए तीन स्पीसीज हैं और तीनों स्पीसीज में से दो स्पीसीज ने एक स्पीसीज फीड कर रही है, लेकिन सुबह के टाइम पे कोई कर रही है शाम को टाइम पे, तो इसकी वजह से क्या है कंपटीशन नहीं हो रहा, रिसोर्स पार्टीशन नहीं हो रही। तो कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझ में आएंगे जैसे कि इंटरफेरेंस कंपटीशन, कंपटीटिव रिलीज और रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, यहाँ पे आपका एक मैकेनिज्म है कंपटीशन को अवॉइड करने का, ये जो है ये मैकआर्थर ने इसके ऊपर स्टडी करी, तो उन्होंने क्या देखा, मैकआर्थर साइंटिस्ट, देखिए आप गॉस साइंटिस्ट आए हैं, कॉनेल्स आए हैं, फिर मैकआर्थर आए हैं, उन्होंने क्या क्या फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बार्बलर्स के लिए जो कि सेम ट्री पे रह रही थी, तो उन्होंने स्टडी किया कि ये बार्बलर की जो स्पीसीज सेम ट्री पे रह रही थी इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड कर लिया और कोएग्जिस्ट हो पाई, क्योंकि इनके बिहेवियर डिफरेंसेस थे फॉरेजिंग एक्टिविटी यानी कि खाने में, तो इनके बिहेवियर में डिफरेंस था, कोई किसी टाइम पे खा रहा होगा क्या, कोई किसी तरह से खा रहा होगा, स्लो टाइम कुछ इनका डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया, फिर आपको इतना समझ लेना चाहिए कि इनका डिफरेंसेस था कुछ ना कुछ, एक कंपटीशन को कम करने का एक मैकेनिज्म था, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का जो आपका कंपटीशन है थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, हाँ ये समझ लीजिए, रिसेंट स्टडीज जो हैं रूल्स आउट कर देती हैं ग्रॉस जर्मलाइजेशन को, जैसे कि गॉस ने कहा था, ठीक है। तो आज ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोएग्जिस्टेंस का मैकेनिज्म, ठीक है ना, ये जो आपका रिसोर्स पार्टनरशिप की बात करेगी वो सामने आई, ठीक है, ये आपके पास सामने आई, तो इससे आपका ये पता चल रहा है कि गॉस का जो कंपटीटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो एक तरीके से 100% ट्रू नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही है, कई सारे साइंटिस्टों ने इसके अगेंस्ट में प्रूफ दिया जैसे कि मैं करता हूँ, ठीक है। फिर पैरासाइटिज्म की बात करते हैं, पैरासाइटिज्म में क्या है, पैरासाइट आपको पता होगा कस्कूटा अमरबेल क्या होती है, वो न्यूट्रिशन ड्राइव करती है दूसरे प्लांट्स पर, पैरासाइट क्या है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड कर रहते हैं जनरली, ठीक है ना, कुछ और चीज़ों के लिए डिपेंड रह सकते हैं, ओके, ठीक है, पैरासाइट का समझ में आ गया मतलब। देखिए पैरासाइट जो होते हैं इवॉल्व करते हैं स्पेशल अडेप्टेशंस को, बहुत सारे उसमें खास तरह के विकास होते हैं जैसे कि लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ये सेंस ऑर्गन्स उनके ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हट जाते हैं, फिर एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं चिपकने के लिए, एडहेसिव सकर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है ना, होस्ट से जाके वो चिपक सकें, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उनको तो न्यूट्रिशन मिल ही रहा है, पका पका है, ठीक है, खाना मिल रहा है, इनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत हाई होता है, आर वैल्यू इनकी बहुत हाई होती है, लाइफ साइकिल जो होती है ना पैरासाइट की ज़्यादातर केसेस में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और कई ज़्यादा इसमें इंटरमीडिएट होस्ट इन्वॉल्व होते हैं जो उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, जैसे कि मलेरिया पैरासाइट है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी लाइफ साइकिल के लिए एक आपको मच्छर चाहिए, फिर पानी चाहिए, ठीक है ना, ओके, तो ये आप समझ लीजिए, ओके, तो इसको आप देखिए सिंपल, इससे भी ज़्यादा ईजी एग्जाम्पल है आपका ट्रेमेटोड, यानी कि जो हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं पैरासाइटिक ह्यूमंस के केस में, उनको भी अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे अदर स्पीसीज की जरूरत है, जैसे कि स्नेल एंड फिश, ठीक है, कुछ उनकी लाइफ स्टेजेज होती है स्नेल और फिश के अंदर डेवलप करती हैं, फिर कुछ ह्यूमंस में डेवलप करती हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, कोएवोल्यूशन एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, देखिए जैसे जैसे आपका पैरासाइट है, जैसे जैसे पैरासाइट में क्या है आपका एक पैरासाइट है और एक होस्ट है,
तो पैरासाइट जिसके ऊपर डिपेंड करा वो होस्ट है। अगर होस्ट में कुछ एवोल्यूशन होंगे तो उसी हिसाब से पैरासाइट में भी एवोल्यूशन होंगे, तभी तो वो उसके साथ रह पाएगा, नहीं तो नहीं रह पाएगा, नहीं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो वही को एवोल्यूशन की बात करेगी ये, होस्ट को एवोल्यूशन या होस्ट स्पेसिफिसिटी ये ऑब्जर्व की जा सकती है किन में, इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, पैरासाइटिज्म में, म्यूचुअलिज्म में, बोथ। तो दोनों में हो सकती है, म्यूचुअलिज्म में भी इस तरह से होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म एक तरीके से को इवॉल्व करते हैं, एक ही तरह के एडॉप्शन होते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ रह सकें। तो पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म दोनों में आपका को एवोल्यूशन दिखाई देता है। ठीक है, पैरासाइटिज्म की बात पहले करते हैं, को एवोल्यूशन आगे आपको आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक यहाँ पे चीज़ आपको क्वेश्चन दिया गया है, डू यू बिलीव, क्या आप बिलीव करते हैं दैट एन आइडियल पैरासाइट शुड बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट, कि आइडियल पैरासाइट जो है इस होस्ट के अंदर रह सकता है बिना उसको नुकसान पहुंचाए, क्या आप ऐसा विश्वास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि फिर एवोल्यूशन का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। जब उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा तभी तो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन जब ही होगा, जब सारी चीज़ें कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं होगी, सब कुछ ईजी हो जाएगा, तो फिर एवोल्यूशन ही नहीं होगा, तो एवोल्यूशन नहीं होगा तो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म कहीं दिया, वो कोपेपोड्स, आप समझ लीजिए वो आर्थ्रोपोड्स क्रस्टेशियंस होते हैं। ठीक है, पैरासाइट का वो बता ही दिया क्या है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ड्राइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स सोर्स, पैरासाइट है। ठीक है, ओके। अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिए पैरासाइट्स की, कस्कूटा अमरबेल है, फिर आपका फीमेल मॉस्किटो का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन फीमेल मॉस्किटो जो है ना वो पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो जो है हमारा जो खून चूसती है तो हमें लगता है कि वो हमारा खून खाने के लिए चूसती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको वो खून केवल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, तो वो उससे न्यूट्रिशन ड्राइव नहीं कर रही है, इसीलिए रिप्रोडक्शन में हेल्प हो रहा है ब्लड उसका, तो इसीलिए क्या है फीमेल मॉस्किटो जो आपका वो पैरासाइट नहीं कंसिडर किया जाएगा। पैरासाइट में क्या है, न्यूट्रिशन जो है उसको फूड उसका एनर्जी के लिए ड्राइव होना चाहिए और होस्ट से, तभी उसको पैरासाइट कहा जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। अब पैरासाइट भी बहुत तरह के हो सकते हैं, एक्टो हो सकते हैं, एंडो हो सकते हैं, जो बाहर रह रहे हैं, एंडो मतलब जो जो होस्ट है उसके अंदर रह रहे हैं। ठीक है, तो लीवर, किडनी, लंग्स वगैरह कहीं भी हो सकते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो एंडो पैरासाइट की होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एक्टो पैरासाइट से, क्योंकि बहुत स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है होस्ट के अंदर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। सोचिए बाहर का एनवायरनमेंट में बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर हैं, अंदर में बहुत कम वेरिएबल फैक्टर हैं, तो होस्ट के जो जो एंडो पैरासाइट होते हैं एक्टो पैरासाइट की पैरासाइट्स की अपेक्षा उनमें क्या होगा स्पेशलाइजेशन बहुत सारे होते हैं, तो उनकी लाइफ साइकिल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिर एक खास तरह का पैरासाइटिज्म की बात करेगी है जिसको ब्रूड पैरासाइटिज्म कहा गया है। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कोयल जो चिड़िया होती है वो क्या करती है, वो कौए के घोंसले में अंडे देती है, तो कौआ जो होता है उसके अंडों की हैचिंग भी करता है, उसके बच्चों को न्यूट्रिशन भी खिलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया कि कोयल जो बर्ड है वो ले कर रही है एग नेस्ट ऑफ क्रो में, तो उसको क्या क्या कंसिडर किया जाए, तो उसमें आप देखिए कमेंसलिज्म अमेंसलिज्म, तो उसको क्या पैरासाइटिज्म माना गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप समझिए, क्वेश्चंस का टाइप या क्वेश्चंस का किस तरह से क्वेश्चंस कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं वो मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है, आप उसको समझिए, आप खुद भी क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश की, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बायोलॉजी की स्टडी कैसे करें जाए उस वाले वीडियो में, तो आप उसको फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि क्या स्ट्रेटजीज हैं जो अच्छे स्कोर के लिए जरूरी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन में, उसमें है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या हो, पॉजिटिव जीरो, यानी कि एक को तो फायदा होगा दूसरे को क्या होगा नुकसान होगा। इससे पहले पैरासिटिज्म था उसमें क्या था, एक को फायदा दूसरे को नुकसान, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें क्या है कमेंसल, एक को तो फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव एंड जीरो। पैरासिटिज्म में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ क्या है, पॉजिटिव जीरो, एक को तो फायदा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जैसे कि ऑर्किड होता है वो क्या करता है, मैंगो की ट्री पर एपीफाइट की तरह, एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर या कहीं स्पेस के ऊपर उगते हैं, तो एपीफाइट मतलब दूसरे प्लांट जो उगते हैं, तो न्यूट्रिशन तो ड्राइव नहीं करता ऑर्किड, लेकिन खाली उसके ऊपर उगा हुआ है, तो मैंगो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऑर्किड को फायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक तरीके से एंकरेज मिल रहा है, जगह मिल रही है रहने की। समझ में आ गया, ये कमेंसलिज्म। इस तरह से जो ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है वो है आपका कमेंसलिज्म का कैटल और एग्रेट पर। एग्रेट होता है बगुला, तो जब हमारे खेतों में गाय भैंस वगैरह चरती हैं घास खाती हैं, तो बगुले वगैरह उसके आसपास आ जाते हैं, क्यों, गाय भैंस जो घास खाती हैं उसको उखाड़ देती हैं, तो उनकी जड़ों में से कीड़े निकलते हैं, तो वो कीड़े कौन खाता है, बगुले खाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, गाय भैंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन एग्रेट को फायदा हो रहा है, पॉजिटिव जीरो। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको दे देगा कि कैटल बर्ड और एग्रेट बर्ड जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, वो कैटल खा रही है घास, वो ऐसे कुछ दे देगा, फिर बोलेगा वो किसका एग्जाम्पल है, वो किसको किस में कंसिडर किया जाए, तो आपको कमेंसलिज्म में आंसर लगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल कमेंसलिज्म के, जैसे कि सी एनिमल, कई सारे एग्जाम्पल दिए, वो मेन दो तीन एग्जाम्पल हैं, आप समझ लीजिए। सी एनिमल एक होता है समुद्र में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या कर रहा है, वो
इसमें एक फिश होती है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास सी एनिमन के पास कांटे होते हैं, तो इसको सी एनिमन को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको प्रोटेक्शन मिल रही है मछली को, तो मछली के लिए तो फायदा है, सी एनिमन के लिए क्या है, जीरो, उसका कोई ना फायदा ना कोई नुकसान। क्लाउन फिश जो और सी एनिमन दो ऑर्गन, ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। ओके, आगे बात समझ में, ये आपको किसकी बात चल रही थी, ये आपकी बात चल रही थी अभी तक पैरासाइटिज्म की, और उसके बाद आपका कमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। अभी तो हमने कमेंसलिज्म की बात करी है, ठीक है, बहुत क्लासिकल एग्जांपल कैटल और ग्रेट बर्ड का, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि दोनों स्पीसीज को फायदा होगा। तो म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल आपका लाइकन है, लाइकन में क्या होता है, फंगस प्लस एल्गी होते हैं या सानी बैक्टीरिया, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फंगस क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को एल्गी को दे देता है, ठीक है ना, जमीन से खींच के ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर इसको दे देता है, एल्गी क्या करता है, इसको ऑर्गेनिक फूड दे देता है फंगस को, ठीक है। इस तरह माइकोराजा होता है, फंगाई प्लस रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये माइकोराजा होता है, ये ऑर्गेनिज्म, ये क्या करता है, ये आपस में दोनों एक दूसरे दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे की, ठीक है, वो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, वो उसको वो इनऑर्गेनिक फॉर्म दे रहा है, वो ऑर्गेनिक फॉर्म दे रहा है, ठीक है। इस तरह से माइकोराजा में भी ऐसे होता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। इस बेसिकली अगर आप ये जानते हो कि ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स, ये जो आपको क्लासिफिकेशन आता हो किंगडम का, प्लांट किंगडम का हायरार्की आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई लाइकेंस वगैरह माइक्रोराजा कहाँ पे होते हैं, इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो माइक्रोराजा आपको समझ में आ गया, लाइकेन आपको बता दिया मैंने, ठीक है। इनका जो यहाँ पे दिया वो वही बात जो मैंने आपको बता दी, फंगाई क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, और प्लांट क्या करता है, उसको एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट देता है, फूड देता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई म्यूचुअलिज्म में। फिर म्यूचुअलिज्म में बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका पॉलिनेशन। भाई प्लांट के जो पॉलेंस होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में एनिमल्स का हाथ होता है, जैसे कि हनी बीज वगैरह का, तो हनी बीज को क्या मिल रहा है, खाना मिल रहा है फूलों से, और प्लांट को क्या मिल रहा है, उसका पॉलिनेशन हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है म्यूचुअलिज्म में। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है कि इसमें कई और एग्जांपल भी दिए हैं, तो म्यूचुअलिज्म के केस में भी कोएवोल्यूशन होता है, पैरासाइटिज्म में भी और म्यूचुअलिज्म में भी। सीड डिस्पर्सल है, सीड को डिस्पर्स हो रहा है तो उसमें भी म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। हाँ, म्यूचुअलिज्म कई तरह बहुत स्पेसिफिक होता है और स्ट्रिक्ट होता है, जैसे कि अंजीर के पेड़ में, अंजीर का जो फल होता है ना उसमें एक खास तरह की बास्प होती है, वही उसको पॉलिनेट कर सकती है, कोई दूसरी नहीं कर सकती, तो ये क्या स्पेसिफिक हो गया, इंटर स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक। इसमें जो अंजीर है उसके लिए एक खास स्पीसीज ही होगी बास्प की जो उसको पॉलिनेट कर पाएगी, तो अंजीर को क्या मिल रहा है, पॉलिनेशन मिल रहा है, उसका सीड डेवलपमेंट में, उसके सीड फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिल रही है, उसके फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिल रही है, लेकिन बी जो बास्प है उसको क्या मिल रहा है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके लार्वा को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको रहने की जगह मिल रही है, उसके अंडे के लिए जगह मिल रही है, तो दोनों के लिए फ़ायदा हो रहा है, म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है। फिर एक खास तरह का जो है आपका म्यूचुअलिज्म वो दिखाई देता है एक ऑर्किड में, ठीक है, जिसको ओफायरस कहा गया है, ये स्पीसीज का नेम है ओफायरस का। ये ऑर्किड क्या करता है, अपने फ्लावर के स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई कर देता है जिसकी वजह से वो एक मक्खी की तरह लगता है, फीमेल मक्खी की तरह। तो मेल मक्खी जो आती है वो क्या करती है, इस ऑर्किड के फ्लावर के ऊपर मंडराती है, इसको इसके साथ सीडोकॉपुलेट करती है, सीडोकॉपुलेट करती है, तो उससे क्या होता है, इसका तो पॉलन फर्टिलाइजेशन हो जाता है ऑर्किड का, ठीक है। ओके, तो दोनों को फ़ायदा, उसको भी इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से आप समझ लीजिए कि म्यूचुअलिज्म में इस तरह के कुछ एग्जांपल, या म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है मैंने कि सेक्सुअल डिसीड होती है जो ऑफरेस स्पीसीज करती है, वो किसका कंसीडर, किसमें कंसीडर किया जाए, म्यूचुअलिज्म का क्वेश्चन किस तरह से बना देगा आपको, ठीक है। ओके, अब ये सारे इंट्रक्शन हो गए, इसमें अमेंसलिज्म की बात नहीं करेगी आपके सिलेबस में, तो अमेंसलिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं। अमेंसलिज्म का मतलब होता है नेगेटिव जीरो, यानी कि एक को तो नुकसान होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब गाय भैंस चरती हैं खेतों में तो घास को वो क्या कर देती है, पैरों से कुचल देती हैं, तो घास को तो नुकसान हो लेकिन गाय भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या है, एक मेंसलिज्म है, ठीक है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, थोड़ा समराइज कर लेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस और इसकी समरी खत्म करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।